वसति गौरभक्त प्रेन्द हरे कृष्ण चैतन्य गदाधर शिव सदि गौरभक्त प्रेद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदनन्दन जय ब्रज जन रञ्जन जय ब्रज जन रञ्जन जय यशोदा जीवन जय ब्रज जन रञ्जन जय ब्रज जन रञ्जन जय जामुन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जामुन तिरवन चारी राधा विनोद बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानंग भावने भो वैष्णवे भो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपे सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्यै कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंद जय रूप सनातन भट रघुनाथ त्रिजीव गोपाल भट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन जाहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण आगे बसो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु विष्णुपाद अशोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु विष्णुपाद अशोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों से रज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाधु के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे बोले धन कुल्ले पांडित्य चैतन्य नाई पाई
केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, कहते धन कुले पांडित्य चैतन्य नहीं पाए। अगर कोई सोचे हमारे पास में ज्यादा पैसा है इसलिए पैसा से भगवान मिल जाएंगे, अगर कोई सोचे हम तो बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े पंडित में हूँ, शायद इससे भगवान मिल जाएंगे, हैं? कहते अगर कोई सोचे हम तो बहुत बड़े उच्च जाति में जन्म हुए हैं, शायद हमें भगवान मिल जाएंगे, अगर कोई सोचे हम तो देखने में बड़े सुंदर है, हमें भगवान मिल जाएंगे, कहते नहीं, ये चीज से भगवान नहीं मिलते। मिलते कैसे? बोले केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई, केवल भगवान भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होते हैं इस जगत में। प्रेम ही सब कुछ है, सब कुछ अगर प्रेम नहीं, प्रीति नहीं, प्यार नहीं, सब बेकार है। अगर कुछ भी नहीं, प्रेम प्रीति प्यार है जीवन में सब कुछ। इसलिए सारा दुनिया किस चीज की भूखे है, किस चीज की भूखे है? प्रेम की भूखे है। कौन आगे का सुन, आगे आगे कैसे बसो। इसलिए कहते भगवान केवल प्रेम को द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं। एक व्यक्ति के घर में बड़ा सुंदर घर है, बेटे बहुत बढ़िया है, बहू बहुत बढ़िया है, घर विद्या पांडित सब घर में सब कुछ है, लेकिन घर में प्रेम ही नहीं है, फिर क्या होगा बताओ? सब कुछ बेकार है, लेकिन इतना कुछ धन दौलत तो कुछ नहीं, लेकिन घर में प्रेम प्यार प्रीति है, घर में सब कुछ है, घर में सब कुछ है। इसलिए कहते भगवान किस चीज में वशीभूत होते हैं? केवल प्रेम से ही। बच्चा तोतली तोतली बोली से पापा पापा मामा मामा बोलते हैं, लेकिन पिता माता कितने खुश होते हैं, देखना दादा दादी पिता माता अगर तोतली बोली बोले है ना, उसको कितना बार दोहराते थे, बच्चा कितना प्यारा बोल रहा था, अरे को पापा पापा बोल रहा था, मम्मी मम्मी बोल रहे थे, क्योंकि मैंने है क्या है, मैंने है प्रेम। इसलिए यहाँ कह रहे हैं केवल प्रेम बस चैतन्य गोसाई, भगवान केवल प्रेम में ही वशीभूत होते हैं और किसी चीज में भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। इसलिए गतकल्य हम लोग एक श्रवण एक श्लोक हम लोग ने श्रवण किया था, कहते पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं, अगर हो सके ये श्लोक को याद कर लेना, ठीक है? इसलिए कथकल्य हम लोग ने श्रवण किया था, अगर कोई सोचे है दिन में हम तो 10 बार नहाते हैं, 10 बार कपड़ा बदलते हैं, हैं? 10 बार हम तिलक लगाते हैं, दिन भर केवल शौच ही में ही दिन भर लगे रहते हैं, हैं? ये मेरे को छू दिया, उसको ये हो गया, दिन भर लगे, क्या भगवान उससे मिलेंगे, हैं? लेकिन कहते व्याधस्य आचरणम की, कहते भैया ये व्याध का कौन सा आचरण था जिससे उससे भगवान उसको प्राप्त हो गए, वो तो व्याध है, दिन भर जानवर को मारने वाले हैं, अपवित्र रहने वाले हैं। इसलिए अगर कोई सोचे अरे ये बचपन में कोई भक्ति होती है, भक्ति बुढ़ापा में होती है, हैं? बचपन में कोई भक्ति होती है, कहते ध्रुव जी का कौन सा उम्र था जो कि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए यहाँ पर बताए कोई रूप कोई धन कोई विद्या है कोई रुपया पैसा केवल चैतन्य महाप्रभु भक्ति का ही वशीभूत है। इसलिए कहते श्रीमन महाप्रभु जिस समय नवद्वीप में लीला कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, लेकिन महाप्रभु को कोई भी समझ नहीं पाए ये कौन है, भगवान है, लेकिन उनको कौन समझ पाए, बोले जो लोग भक्त थे वही लोग ही उनको समझ पाए। इसलिए यहाँ पर एक अच्छी बात कहते हैं, बोले काहर न कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से तारीवे कहले। कहते महाप्रभु को कौन प्राप्त कर सकते हैं, कहते महाप्रभु को वही प्राप्त कर सकते हैं जो व्यक्ति कभी किसका निंदा चर्चा नहीं करते, और जीवन में जो कुछ आता है अपना किया हुआ कर्म का फल मान कर उसको भोग कर लेते हैं और दिन रात क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम करते रहते हैं, किसकी बुराई निंदा चर्चा नहीं करते हैं, बोले अजय चैतन्य से ही तारीफ कहले। महापुरुष का एक नाम है अजय, बा अजीत है, हैं? इसलिए उनको कौन जीत सकता है, उनको कौन प्राप्त कर सकता है, जो हर समय भगवान का भजन करे, कभी किसकी निंदा चुगली नहीं करे, वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ कह बोले के भजन सरकराए निम्बा स्वाद पाए तार दैव सरकरार स्वाद नहीं जाए। यहाँ पर एक अच्छी बात कह रहे हैं, के भजन सरकराए निम्बा स्वाद पाए, सरकरा मतलब मीठा होता है, हैं? लेकिन कोई कोई व्यक्ति कहते मीठे में भी उनको कड़वा लगता है, मीठे में कड़वा किसको लगेगा, बोले जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, जिनकी पिया की बीमारी हो जाए। अब देखना हर चीज में राधाराम इतिहास, इसलिए हर चीज में उसको कड़वा लगेगा, हैं? लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं क्या, कहते कहते तार दैव सरकरा स्वादु नहीं जाए, उसको सरकरा में कड़वा लगने पर भी क्या सरकरा कड़वा हो जाता है, सरकरा कभी कड़वा नहीं होता है, सरकरा तो मिठाई है। कहते उसी तरह जो भगवान का नाम है, भगवान की जो भक्ति, भगवान हर समय क्या है, बोले मधुरम मधुरम मेतत मंगलंग मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूपम सक्रीदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्णा। बोले भगवान और भगवान का नाम कैसे है, कहते मधुर से भी मधुर है और मंगल से भी मंगल भगवान का नाम, इसलिए भगवान हर से मंगलमय हैं। इसलिए गत कल हम लोग ने ये कथा सुने थे, आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमान चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु का महिमा को, है नित्यानंद प्रभु का महिमा को सुनेंगे। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के गुरु जी कौन है, कहते श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए ये ग्रंथ का नाम है चैतन्य भागवत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का कथा। लेकिन जब श्री वृंदावन दास ठाकुर जब श्री चैतन्य महाप्रभु को महिमा को गा रहे थे, अगर गाते गाते कहीं श्री नित्यानंद प्रभु को अगर बीच में कथा आ जाते ना, वो क्या करते हैं, वहीं पर महाप्रभु कथा को बंद करते थे, बंद करके करते हैं क्या, श्री नित्यानंद प्रभु का महिमा को गाना शुरू कर देते, नित्यानंद प्रभु का महिमा को गाना शुरू कर देते हैं। और करते 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 जब बड़ी दूर तक चले जाते हैं, बोले अरे ये ग्रंथ का नाम तो चैतन्य भागवत है चैतन्य भागवत, हम तो महाप्रभु का कथा सुना रहे थे, लेकिन महाप्रभु का कथा सुनाते सुनाते मैं भूल गया कैसे, और मैंने क्या कर रहा हूँ, श्री नित्यानंद प्रभु का महिमा महिमा महिमा। फिर उन्होंने फिर वापस आते, फिर वापस आकर क्या करते हैं, फिर महाप्रभु की कथा को फिर सुनाना शुरू करते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं, कहते उन्होंने ये शिक्षा क्या देते हैं, कहते ये शिक्षा ये देते हैं नित्यानंद प्रभु, उनको कौन लगते हैं, श्री गुरुदेव। कहते यहाँ पर शिक्षा देते गुरु जी के प्रति हमारी कितना निष्ठा होनी चाहिए, हैं गुरु जी की, अगर गुरु जी की महिमा आए तो बस नित्यानंद प्रभु श्री वृंदावन दास ठाकुर केवल श्री नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु उनकी महिमा गाते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जेमे भक्ता जना पार्थ, बोलो श्लोक किसके याद है, जेमे भक्ता जना पार्थ नमे भक्तास्ते जना मत भक्ता नांच जे भक्तास्ते समय जुक्ता तमामता। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो कहता है मैं कौन हूँ, हमें तो कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं अर्जुन वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन मेरा असली भक्त कौन है, कहते मेरा भक्तों का जो भक्त कहता है ना, मैं कौन हूँ, वैष्णव का दासों का, दासों का हम दास है, कहते वही मेरे प्रिय भक्त है, हैं वही मेरे सही भक्त है। इसलिए यहाँ पर गुरु जी के प्रति उनकी कितने निष्ठा होनी चाहिए, इसलिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पर वही शिक्षा को प्रदान करते हैं।
इसलिए यहाँ पर उन्होंने श्री तथा दो अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु का महिमा गा रहे हैं। इसलिए ये एकादश अध्याय में हैं कहते श्रीवास रे घरे नित्यानंदेर बसती पाप बोले श्रीवास रे कर ये प्रीति। कहते नित्यानंद प्रभु कहाँ रह रहे हैं, बोले श्रीवास जी के घर में रह रहे हैं। और करते हैं क्या, कहते श्री श्रीवास पंडित नित्यानंद प्रभु को क्या बोलते हैं, अपना बेटा। और नित्यानंद प्रभु श्रीवास को क्या बोलते हैं, पिता। क्या बोलते हैं, पिता। बाप, बाप मतलब क्या है, पिता। कहते वो उनको बेटे बोलते हैं, वो उनको पिता बोलते हैं। बोले क्यों, याद है कि नहीं, जिस समय उनका बेटा शरीर छोड़ दिया, लेकिन बेटा शरीर छोड़ने पर भी उसमें दुखी नहीं हुए हैं, उनने दुखी नहीं हुए। बोले जहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपना परिकरों के साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, और उसी समय में मेरा बेटा महाप्रभु का कीर्तन सुनते सुनते गए, इससे और कुछ सौभाग्य हो सकता है। एक दिन तो मरना ही है, एक दिन तो मरना है, लेकिन अगर महाप्रभु का कीर्तन सुनते सुनते मरे, इससे क्या बढ़िया हो सकता है। अगर ये मेरे सौभाग्य होता ना, मैं तो अपना जीवन को धन्य मानता। लेकिन जो अपना बेटा का शोक, जिसने अपना बेटा का शोक भी, अपना बेटा मरने पर भी वो शोक को शोक नहीं माना, शोक क्या आनंद माना, मेरे घर में महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। बोले एक समय, सुनो ध्यान से, बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उपासना करते थे, हमारे गौड़ीय वैष्णव लाइन में थे, इसलिए उनको बहुत धनी व्यक्ति, वो बहुत धनी व्यक्ति था। जब धनी व्यक्ति था, उसको क्या हुआ, उसको एक बेटी, बड़ी प्यारी बेटी थी उसकी, लेकिन उसने बीमारी में पड़ गई। जब बीमारी में पड़ गई तो भक्त लोग इसको पर निर्भर करते हैं, भगवान के ऊपर में, भगवान जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, घर में वैष्णव लोगों को बुला करके अखंड कीर्तन रखवाया। मेरे बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए भगवान का कीर्तन रखते हैं, जिससे मेरी बेटी का प्राण है, प्राण वापस चले आए, जिंदा हो जाए। इसलिए उन्होंने अपना घर में खूब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का उन्होंने खूब भोग लगाया, उन्होंने खूब उनका कीर्तन घर में करे। लेकिन करते 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 उनका बेटी जिंदा नहीं रही, उनका बेटी ने शरीर छोड़ दी। जब छोड़ दी, इतने में वो व्यक्ति तो बिगड़ गया। कहते मैं भक्तों को बुलाकर घर में अखंड कीर्तन रखवाया, और इतने उत्सव घर में करवाया, और मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। उसने क्या किया, भजन भजन सब छोड़ छाड़ दिया, भगवान को भक्ति भक्ति सब छोड़ छाड़ दिया। भगवान मेरे साथ में, भगवान ऐसे क्यों किया है, इतना मैं भजन करता था, मेरे घर में महापुरुष नित्यानंद प्रभु का पूजा हो रही है, हैं, और मैं इतना किया क्यों किया है। हाँ, इसलिए कहते इसी विषय पर प्रभुपाद कहते हैं कि देखो हमारे श्रीवास पंडित को देखो, श्रीवास पंडित को देखो, हम ऐसे चाहते हैं, हैं। इसलिए कहते मेरे घर में बेटा मर गया, अपना बेटा मर गया, तभी महाप्रभु साक्षात रूप में, साक्षात रूप में महाप्रभु जहाँ पर भगवान स्वयं बलदेव प्रभु स्वयं, जहाँ पर राधा रानी स्वयं, गदाधर पंडित हैं, गदाधर पंडित जहाँ पर अद्वैत आचार्य सदाशिव स्वयं जहाँ पर विद्यमान है, पूरा महाप्रभु का परिकर जहाँ पर विद्यमान, लेकिन वहां पर बेटा मर गए, तभी उन्होंने कोई दुखी नहीं हुए हैं, क्योंकि बेटा दिया किसने, बेटा दिया किसने, भगवान ने दिया, लिया किसने, भगवान लिया। अरे जब उन्होंने दिया, उन्होंने लिया, पर हम बीच में दुखी क्यों हो, हम बीच में दुखी क्यों बने। इसलिए ऐसे बुद्धि आना ना भैया, बोलना जितना आसानी, करना उतना आसानी नहीं। इसलिए बोले तत्व अनुकंपा सुसमिक समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम, ये श्लोक में प्रतिष्ठित होना ना। इसलिए अक्सर करके प्रभुपाद, प्रभुपाद का बहुत सारे शिष्य लोग थे। अब देखना, अब जब भक्ति करो ना, जैसे सारा दुनिया से अलग लगता है, सारा दुनिया से अलग लगता है, हैं, पूरा अलग। क्यों, सब लोग मांस मछली मीट खाते हैं, और ये खाते ही नहीं, खाते ही नहीं, और सबको तिलक, गले में तिलक, कंठी माला लगा करके, माला लेकर के बाहर सब लोग बैठ गप्पे सप्पे सारा दुनिया करते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर बोलो, बोलो हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये लोग सब उल्टा करते दुनिया से, सारा दुनिया एक तरफ चलते भक्त लोग एक तरफ में, इनका दुनिया ही अलग है, हैं भक्तों का दुनिया ही अलग है, हैं। अभी हमने रसिया गया था कुछ दिन पहले, एक गांव में एक रसिया के एक गांव में एक अच्छे भक्त निकला है। वो भक्त ने भजन तो किया वैष्णव संघ में आकर के, और स्वयं भजन करता है, गांव के बहुत लोग उसने परिवर्तन किया, और उसने क्या किया, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी लिया, जमीन लिया रसिया में गांव में, और ले करके वहां गांव में लोगों को प्रचार किया, प्रचार करके उन्होंने लोगों को शराब छुड़वाया, मतलब अक्सर करके लोग शराब पीते हैं विदेश में, शराब छुड़ा जो बीड़ी फूंकते हैं, बीड़ी नशा छुड़वाया, ड्रग्स छुड़वाया, नाम क्या, और उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया, महाप्रभु नित्य राधा कृष्ण का बड़े सुंदर मंदिर बनाया, और उन्होंने खेती लोगों को जो भक्त बने उनको तरह खेती बहुत बड़ा उन्होंने जमीन लिया वहां पर, खेती फेती सब कुछ वहां पर करते हैं, सब कुछ लोग वहां पर करते हैं, लेकिन उनको गांव के लोगों है ना सरकार को शिकायत कर दिया, क्या शिकायत कर दिया, बोले पहले एक साथ में बैठ करके हम गंजा फूंकते थे, शराब पीते थे, पता नहीं ये दल कहाँ से आ गया, नया दल हमारे साथ में बैठ कर शराब नहीं पीते और ये सिगरेट नहीं फूकते हैं, और एक साथ में बैठ करके हम मांस मछली खाते थे, पता नहीं ये कौन सा धर्म किया, कहाँ से आया, और इन्होंने पूरा ये पूरा अलग है, पूरा पूरा अलग कैसे हो गए। लेकिन उन लोगों ने सरकार से केस कर दिया, जब केस कर दिया पता नहीं कहाँ आकर के हमसे अलग, दुनिया से अलग करते, सरकार भी वैसे है, सरकार भी वैसे कलयुग है ना, सरकार भी वैसे। लेकिन ये व्यक्ति का एक बहुत अच्छे उच्च पद में एक मंत्री कोई था, वो मंत्री वो एक लड़की कोई है, हैं, उन्होंने भक्ति करे प्रचार करके उनको समझाया, हैं, वो इनकी भर में था, हैं, क्योंकि उनने लोगों को समझाया, लोग हर समय शराब पीकर घर में पड़े रहते हैं, तबीयत खराब हो जाता है, लास्ट में सुख ढूंढते ढूंढते, पहले लोग कहाँ सुख ढूंढता है, पहले सुख ढूंढता है पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई लिखाई हो गया उसके बाद में थोड़ी नौकरी में, नौकरी मिलेगा पैसा तभी सुख नहीं मिला, फिर क्या करता, शायद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएंगे उनको देश में, शादी कर, लेकिन इंद्रिय सुख कब तक है, इंद्रिय सुख दो दिन के लिए इंद्र सुख है, तीन दिन में पत्नी भी अच्छी नहीं लगती है, हैं, दो दिन बाद लड़की लड़की भी बाज लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, वो सुख ढूंढता है, लास्ट में जब उसमें सुख नहीं मिलता है फिर पीने में सुख सोचता है, शायद शराब पिए उसमें भी सुख नहीं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, सुख ढूंढते ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, ये सुख ढूंढते ढूंढते लास्ट में ड्रग्स लेना शुरू करते थे, हैं, किसी चीज में सुख नहीं मिला, हैं, टीवी देखे टीवी में सुख नहीं मिला, कब तक टीवी को देखते रहोगे, हैं, अभी न्यूज पेपर में आया ना करुणा ने क्या किया, हैं, ये टीवी कब तक देखेंगे भैया, दो दिन एक घंटा देखे दो घंटा तक उसमें भी नफरत हो जाते हैं, क्योंकि हर इंद्रिय का जो सुख है ना थोड़ी देर बाद में फिर हर चीज को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन जो भक्ति है ना ये ऐसे की चीज है, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, देखो रोज हम कथा सुनते हैं, है ना, रोज कीर्तन सुनते हैं, रोज एक ही कीर्तन देखो ना संसार दावा रटना लगाते हैं, रोज संसार हाँ प्रभुपाद का है सुजनार बुद्ध राधि रोज एक ही कीर्तन कर रहे हैं, वृंदावन वासी रोज एक ही कीर्तन कथा, उसमें किसका विरक्ति आता है, रोज कीर्तन करके नाचते हैं इसमें किसको विरक्ति आती है, कभी आती ही नहीं, क्यों, जो भगवान की जो भक्ति है ना, कहते प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, ये हर पद पद में ये एक नई नई आनंद, इसलिए उदाहरण क्या देते हैं, पक्षी जन आकाश र अंत नहीं पाए जतो दूर शक्ति तत दूर उड़ जाए, इसलिए एक उदाहरण दिया, जैसे पक्षी चिड़िया ये आकाश का कोई अंत है, कोई अंत नहीं, उसका पंख में जितने ताकत है उतना दूर तक उड़ते रहो आकाश में, क्योंकि आकाश का अंत है नहीं, जितना उड़ते उड़ो, जितना उड़ते उड़ो, है, इसलिए कहते उसी तरह जो भक्ति है, ये भक्ति ऐसे की चीज है जिसमें कोई आर पार नहीं, जितने डूब सकते हो उसमें डूबो, है, डूब सकते हो डूबो। लास्ट में उनके साथ में उनको परिचय था, बड़ा कोई वो था बड़े पोस्ट में, फिर उसने उसको पास में गया जा करके, फिर उनको जो समझाए बोले वो तो भक्ति में वो उनका रुचि थी, हैं, उसके भक्ति सुन सुन करके बोले बात सही है, हैं, बात सही है,
फिर उसने उनको सपोर्ट किया, सपोर्ट किया तो किसी तरह से वो जमीनी जगत मंदिर बचा है, जमीनी जगत मंदिर किसी तरह से बच्चा है। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भक्ति है जिसका कोई आर पार नहीं, इसलिए बोले तत्व अनुकंपा सुषमिक्षमाण भुजाम एवात्म कृतम विपाक। इसलिए कहते जीवन में जो कुछ आता है भक्त क्या समझता है, मैं अपना कर्म का फल भोग कर रहा हूँ, इसलिए हंस हंस करके भोग लेते हैं, हंस हंस करके जीवन में जो कुछ आता है। देखो और एक चीज समझो, कहते जो पुण्य, जब हम जीवन में पुण्य भोगते हैं है? जीवन में जो हम सुख भोगते हैं कथा हमारे पुण्य नष्ट होता है, सुख पुण्य नष्ट होता है, लेकिन जीवन में जब दुख भोग करते हैं हमारे पाप नष्ट होता है, दुख भोगने से पाप नष्ट होता है और सुख भोगने से पुण्य नष्ट होता है। दुनिया में ये बताओ, हम पुण्य नष्ट करना चाहते हैं ना, हम पाप को नष्ट करना चाहते हैं? बोला, हम जीवन में पाप नष्ट करना चाहते ना पुण्य नष्ट करना चाहते हैं? पाप, जीवन में कोई पुण्य नष्ट करना नहीं चाहता है। अब पाप कब नष्ट होगा? दुख दे करके ही पाप नष्ट होता है। इसका तात्पर्य यह है, अगर जीवन में कहीं दुख आए तो ये समझो जीवन का सारे दुख खत्म हो रहा है और सामने हमारी आनंद आने वाले, जीवन में सुख आने वाले हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ आए भगवान की इच्छा जान करके, अपना कर्म का फल समझ करके भजन भोग कर लो और क्या करो, भगवान की भक्ति करते रहो। भगवान की भजन कभी नहीं छोड़नी चाहिए हैं, भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए हर समय श्रीमन नित्यानंद प्रभु कहते श्रीवास पंडित को क्या बोले, बाप बोल करके। क्यों? जिस समय उनको पुत्र मरा गया तब उसमें भी वो दुखी नहीं हुए, तो महाप्रभु कहते हैं हे श्रीवास, तुम्हारी एक बेटा मर गया, आज से हम दो बेटे, एक नित्यानंद प्रभु और एक मैं, आज से तुम्हारे दो बेटे बन गए। इसलिए नित्यानंद प्रभु प्राय करके ये श्रीवास पंडित के घर में रहते थे और रह करके मालिनी को अपना माँ बोलते थे और श्रीवास पंडित को अपना बाप बोलते थे बच्चे बन करके। इसलिए कहते कभी कभी वो क्या करते थे, एकदम जैसे ब्रज में है, जैसे कृष्ण बलराम थे, कभी कभी उसी भाव में अभिष्ट होकर के मालिनी की स्तनपान करते थे नित्यानंद प्रभु। अभी नित्यानंद बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए नित्यानंद प्रभु, वयस्क हो गए, लेकिन मालिनी का उम्र भी हो गई, लेकिन एकदम ब्रज गोपी भाव से मालिन अपना को ब्रज की गोपी मानती थी और नित्यानंद प्रभु मानते थे मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए उनकी स्तनपान करते थे कभी कभी। हाँ, ये अद्भुत लीला करते थे। इसलिए कहते कभी कभी नित्यानंद प्रभु है एकदम बाल्य भाव में आकर के चंचलता करते थे, कृष्ण बलराम बचपन में नटखट करना, ब्रज गोपियों घर घर में मक्खन चोरी करना, ये कभी कभी ऐसे नटखट करते थे। नटखट करते थे तो महाप्रभु बोलते थे, बोले नित्याई ऐसे नहीं करना, ऐसे नटखट नहीं करना, शांत शिष्ट रहना। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते थे, उल्टा बोले तुम्हारी जैसे मेरे को समझ रहे हो, जैसे बचपन में ना कि तू खुद नटखट करते हो, सबसे बड़ा नटखट तू हो, नटखट तू करते हो और उल्टा मेरे को कह रहे हो तुम मैं नटखट करता हूँ, बोले तुम्हारी जैसे मेरे को तुम समझ रहे हो मैं नटखट करता हूँ। इसलिए ऐसे ऐसे करके कभी कभी ऐसे बचपन में ऐसे लीला करते थे। एक दिन क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु एकदम बाल्य भाव में आकर के ना एकदम नंगे हो गए, एकदम नंगे हो गए और नंगे होकर के उन्होंने जब नंगे हो गए बाल्य भाव, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना नंगे हो गए, लेकिन उस समय नित्यानंद प्रभु उम्र हो गया था हैं, जब नंगे हो गए इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले तेरे को मैंने पहले बोला था ना तुम चंचलता नहीं करना है, तुम नंगे हो गए। महाप्रभु ने क्या किया, फिर अपना उनको अपना पगड़ी इसको फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु का अपना कपड़ा उन्होंने नित्यानंद प्रभु को पहना दिया। तब यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कहते महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ये कपड़ा क्यों पहनाया, कारण है कहते जो लीला है ना ये ब्रज लीला नहीं, कहते ये उनकी संभोग लीला नहीं, कहते ये महाप्रभु का ये नवद्वीप का लीला है। संभोग लीला में जैसे वृंदावन में कृष्ण है, जैसे ब्रज गोपियों को साथ में छेड़खानी करना, उनको वस्त्र जैसे वस्त्र हरण किया उन्होंने, कहते उनका रास लीला किया, लेकिन ये जो लीला है महाप्रभु का ये मर्यादामय लीला है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने कपड़ा उन्होंने पहना दिया। इसलिए कहते एकदम मालिनी जैसे कि छोटे बच्चे को माँ जब खिलाती है बच्चे वैसे खाती है,
कहते मालिन देवी क्या करती थी, नित्यानंद प्रभु अपना हाथों से ही उनको भजन खिलाया करती थी, हैं भजन खिलाया करती थी। एक दिन नित्यानंद प्रभु आदेश, एक दिन क्या हुआ, कहते श्री मालिनी के घर में एक पात्र था, घी का पात्र है, अच्छे घी का पात्र था जिसमें ठाकुर जी के लिए घी रहता था। एक दिन हठात किया एक कौआ आया और कौआ ने वो घी के कटोरे को पकड़ा और कटोरे को पकड़ करके उन्होंने उड़कर चला गया। जब चला गया इतने में मालिनी देवी तो डर गई। अभी श्रीवास पंडित जब आएंगे, क्योंकि ठाकुर जी का कटोरी है, हैं ठाकुर जी की कटोरी है और वो कीमती कटोरी थी, अगर ले गया तो श्रीवास पंडित आएगा तो बोलेगा भैया ठाकुर जी का घी कटोरी गया कहाँ, ठाकुर जी की घी कटोरी का। अभी तो मालिनी देवी बड़ी डर गई, डर कर रोने लगे, दुखी हो गई। जब दुखी हो गई इसलिए इतने में श्री नित्यानंद प्रभु जब देखा मालिनी देवी ने दुखी हो गई, उन्होंने आदेश दिया कौआ को, बोले कौआ तुम जहां भी हो क्या करो, ठाकुर जी की घी की कटोरी ले आओ। जब उन्हें बोले इतने पता नहीं कौआ कहाँ चला गया था, फिर कौआ ने घी की कटोरी लाए और घी की कटोरी लाकर फिर वहीं पर रख दिया। जब रख दिया तब यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले सवार हृदय नित्यानंदेर बसती, तार आज्ञा लभी वेक कहार सकती है। कहते ये नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु। कहते सभी का हृदय में जो परमात्मा रूप में कौन रहते हैं, श्री क्षीरोद गोसाई, क्षीरोद गोसाई सभी के हृदय में, जीवों के हृदय में रहते हैं। ये क्षीरोद गोसाई है कौन, कहते नित्यानंद प्रभु का ही है, नित्यानंद प्रभु प्रकाश है, सभी का हृदय में नित्यानंद प्रभु रहते हैं। कहते इनकी आज्ञा को कौन उल्लंघन कर सकता है, किसका सकती। बोले जे जन अनिल अमृत गुरु नंदन से जन पालन करे सकल भुवन है। कहते उन्होंने क्या किया है, इसलिए जिस समय उन्होंने अपना गुरुकुल में गए थे, हैं गुरुकुल में गए थे तो अभी नियम है 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को अध्ययन किया। अभी वो वापस आना चाहते, अभी गुरु माता और गुरु आपस में उन्होंने चर्चा किया, लगता है ये भगवान है, हैं लेकिन 64 दिन में 64 विद्या कैसे अध्ययन किया, मतलब कैसे प्रमाण करेंगे भगवान है, मतलब भगवान क्या कर सकते हैं, हैं अकर तुम कर तुम जब सक्य थे सब ईश्वर है, जो नहीं को है को जो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मरे हुए बच्चे को तो कोई जिंदा कर ही नहीं सकते, कोई कर सकते मरे हुए जिंदगी व्यक्ति कोई जिंदा कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए उनको ऐसे एक बात बोलो जो कोई कर ही नहीं सकते, ये जीव कर ही नहीं सकता, केवल भगवान ही कर सकते। बोले क्या करेंगे, बोले अपना मरे हुए बेटे को हम ना दक्षिणा रूप में मांगेंगे। उन्होंने मांगेंगे तो क्या हुआ, कृष्ण बलराम गए और जा करके जम, पहले तो उन्होंने शंकरचूर दैत्य को उन्होंने वध किया है, वध करके वहां से पांच जन ने शंख को उन्होंने वहीं से ग्रहण किया, ग्रहण करके फिर उन्होंने गए कहां पर, जमपुरी में गई और वहीं पर उनने शंख बजाया तो स्वयं जम थरथर 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 कांपते कांपते आए। बोले लगता है मेरा ही बारी आ गया, मेरा बारी आ गया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का भी हैं अभिमान को चूर्ण किया, इंद्र का अभिमान भी चूर्ण किया, इसलिए इसी अवतार में सभी का किसी के अहंकार को उन्होंने रखा नहीं, सब और इंद्र चंद्र वायु वरुण सबका अहंकार को चकनाचूर किया, लगता है मेरा ही नंबर आ गया, इसलिए थर 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 कांपते कांपते आए। बोले प्रभु क्या आदेश है, बोले मेरे गुरुपुत्र को वापस दो, उन्होंने गुरुपुत्र को वापस लाए। तब यहाँ कह रहे हैं, कहते भैया जे जना जे जे अनिल मृत गुरु नंदन है, जे जना पालन करे सकल भुवन। कहते उनके लिए एक कौवा ने एक घी का कटोरी ले आया, उनके लिए कौन सा बड़ी भारी बात है, हैं उनके लिए कौन सा भारी भारी बात है। इसलिए कहते ये करते हैं क्या, बोले अनंत भुवन को जो मस्तक ऊपर में एक सरसों जैसे धारण करके रखने वाले हैं, इसलिए जिसका नाम लेने से सारे अभिता ध्वंस हो जाता है, लेकिन उन्होंने वनवास में उन्होंने क्या किया, 14 साल तक जिन्होंने कभी भी सीता जी की मुखार बिंद को दर्शन नहीं किया, केवल सीता जी की जो केवल चरण को दर्शन किया, केवल इतना नहीं जिनने 14 साल तक भोजन नहीं किया, केवल इतना नहीं है 14 साल तक जिन्हें सोया नहीं कभी भगवान की सेवा के लिए, 14 साल तक जिन्हें कभी सोया नहीं है, और उन्होंने क्या किया पूरा रावण समेत जिन्होंने पूरा वंश को ध्वंस कर दिया, और उन्होंने क्या किया जिस समय राम घाट में बलदेव प्रभु रास कर रहे थे,
गोपियों ने कहा हमें प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। तो बलदेव प्रभु क्या किया, काली देखो उन्होंने बोले आओ आकर के हमको सखियों को है प्यास लग रहे पानी पिलाओ। कालिंदी कथा नहीं सुनी है, कालिंदी कथा ही नहीं सुनी, वो तो जैसे बह रही थी बहते रह गई। बलदेव प्रभु ने किया क्या, बोले बात नहीं सुन रही, हाल को उठाए और मारे और उन्होंने पूरा उन्होंने कालिंदी को पूरा यमुना को उन्होंने खेच करके ले आई है, खेच करके लाई। इसलिए उस स्थान का नाम उजान पड़ेगा। जो यमुना ऐसे जा रही थी, फिर बलदेव प्रभु कहते उनका जो पराक्रम वहां जाने पर पता चलता है कैसे पराक्रम था। बलदेव प्रभु ने क्या किया, जिस समय लक्ष्मणा को है, लक्ष्मणा को सांब ने सांब था ना, जो लक्ष्मणा को जो है जो जबरदस्त ले रहा था उसको बंदीशाला में डाल दिया। और कृष्ण सुन करके युद्ध करने जा रहे थे, इतने में बलदेव प्रभु का शिष्य दुर्योधन है, शिष्य व्रत तो मोह रहता है, जानते कृष्ण जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, बोले चिंता मत कर मैं जाकर के सारी बात को मैं सुलटा दूंगा। जब बलदेव प्रभु आकर खबर दिया, दुर्योधन ने कहा क्या प्यारा का जूती अभी सर पर चढ़ना चाहते हैं, हैं? आदेश दे रहे। बलदेव प्रभु बोले क्या, हम प्यारा का जूती हम ही है, हैं? तुमको पता नहीं कृष्ण कौन है, जिनके चरण का सेवा मैं स्वयं करता हूँ, विश्व ब्रह्मांड जिनकी इच्छा पर है स्थिति स्थिति प्रलय होता है, वो प्यार का जूती मैंने बीच में आया, झगड़ा नहीं वो शांत करने के लिए तुम ऐसे बोल रहे हो। बलदेव प्रभु उठाया हाल को, उन्होंने पूरा हस्तिनापुर को बोले पलटा दू है। जब उन हस्तिनापुर को उन्होंने पलटाना चाह रहे थे, इतने पितामह भीष्म जाकर के दुर्योधन को बोला तू कर रहे हो क्या दुष्ट। फिर दुर्योधन आकर के फिर बलदेव प्रभु चरण माफी मांगी। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि चतुर्दश विश्व ब्रह्मांड को जो पालन करने वाले हैं, इसलिए हैं, इसलिए कहते ए तो परिहार जे पापी निंदा करे तबे तार लाठी मार तार सिरो बरोबर। तो यहीं पर कह रहे हैं कहते ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु का ऐसे आश्चर्यमय लीला है। कहते वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कहते ए तो परिहारे हो जे पापी निंदा करे है, इसलिए इतने नित्यानंद प्रभु की महिमा, लेकिन इसकी बावजूद भी अगर कोई नित्यानंद प्रभु को निंदा करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते मैं इसको सर पर लात मारता हूं, उसका सर पर मैं लात मारता हूं। तब प्रभुपाद इसकी टीका में प्रभुपाद कहते हैं कहते भैया ये कौन वैष्णव था है, क्या कह रहे हैं उसका सर पर मैं लात मारता हूं। वैष्णव लोग लात मारते हैं है, वैष्णव लोग लात मारते हैं। कहते भैया वैष्णव लोग अगर किसी को लात मार दिया है ना, समझो उसका कल्याण हो गया है। अगर वैष्णव लोग किसी को अगर लात मार दिया, मतलब अगर वैष्णव लोग किसी किसी को शासन कर दिया, तो क्या समझो बड़े भाग्यवान है, बड़े हम भाग्यवान हैं। क्यों, वैष्णव लोगों ने हमें शासन किया। समझ रहे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। इसलिए ये मत समझो है, एक समय गुरुदेव एक बड़े सुंदर उदाहरण दे रहे थे। गुरुदेव ने उदाहरण दिया, गुरुदेव ने एक बच्चे था, एक बच्चे को उन्होंने बुलाया करके उसको हाथ में कोई टफी दे दिया है, उसको कोई टफी दे दिया, किसी ने व्यक्ति टफी उसको कोई टफी दिया। गुरुदेव ने उसको बुलाया है, बुला कर कहते देखो बेटा ये बताओ गीता का सर्वश्रेष्ठ कौन सा उपदेश है, गीता में सर्वश्रेष्ठ कौन उपदेश है, है? तो उन्होंने बोल दिया, बोले सर्वश्रेष्ठ उपदेश है मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कार। बस गुरुदेव सुनते ही बड़े खुश हो गए। लेकिन और एक बच्चे को गुरुदेव ने बुला करके उसको एक कोई मिठाई दे दिया। बताओ गुरुदेव दोनों में किसको ज्यादा प्यार करते, गुरुदेव दोनों में किसको ज्यादा प्यार करते, बोले जिसको उन्होंने गीता का श्लोक पूछे और जिसने गीता का श्लोक बोला उसको ज्यादा प्यार करते। इसलिए गुरुदेव कहते थे इसी जगत में अगर गुरुदेव किसको शासन करते हैं, अगर गुरुदेव जिसको शासन करते हैं ना, समझना उसको पर भी ज्यादा प्यार है। शासन किसको करेंगे, जिसको प्रति प्रेम है उसे शासन करते हैं, और जिसको पर प्रेम नहीं होगा ना, ऊपर से उसको वंचित कर देंगे, उसकी महिमा गा करके उसकी बढ़ाई करके उसको वंचित कर देते हैं। लेकिन जिसको पर सही उनकी आशीर्वाद कृपा है, गुरुदेव क्या करते उसको शासन करते हैं। इसलिए हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद
कहते हैं ये दो व्यक्ति को तू बोलते थे, केवल दो व्यक्ति को, और सबका आप बोलते थे। बोले वो दो व्यक्ति कौन है जिसको तू बोलते थे? कहते एक श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जिनका नाम था श्री विनोद बिहारी, उसको तू तू बोल करके हैं, तू तू मूर्खेर जहाज हैं, तो ऐसे ऐसे उसको उसको बोलते थे। और ये बोलते तो उनका जो सेवक था, क्या नाम था हैं, क्या नाम था? इसलिए जो प्रभुपाद का जो उनको जो शरीर जो शारीरिक जो सेवा करते थे इस नरहरी हैं, नरहरी तोरण जो रखा ना उन्होंने, हाँ इसलिए इसलिए कहते हैं प्रभुपाद ने कहते दो व्यक्ति को उन्होंने केवल तू जो शब्द है ना हैं, तू जो शब्द केवल दो व्यक्ति को बोलते थे हैं, तू बोल, इसका मतलब है ज्यादा जिसको पर प्यार है प्रेम है उसको ही तू बोलते थे। और शासन करना ही गुरु वैष्णव का कृपा है, है? शासन करना, इसलिए ऐसे नहीं थोड़ी सी अगर हमें कोई शासन कर दिया तो बस हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम कोई और बुले नहीं, हम ही शासन करते और कोई हमें ही शासन किया, इसलिए शासनों की ज्यादा कृपा समझनी चाहिए, प्यार को ज्यादा नहीं, शासनों की ज्यादा समझनी चाहिए है? इसलिए यहाँ पर हरी बोल हरे कृष्ण टाइम हो गया, इसलिए कहते हैं तो परिहारे जे पापी निंदा करे तार लात हमारे तार सरर उपरे, इसलिए कहते ऐसे नित्यानंद प्रभु का महिमा है, अगर इसका बावजूद अगर कोई उनको निंदा करते हैं हम क्या करते, उसको सर पर हम लात मारते हैं। इसलिए एक जब महाप्रभु हैं कभी विष्णु प्रिया को पास में बैठ करके बड़े प्रेम करते थे, उसको मुंह में कभी तांबुल प्रदान करते थे जिसको देख करके सची माता बड़ी खुश होती थी। जब खुश होती थी एक दिन महाप्रभु का घर में एक दिन नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, वहां पर नित्यानंद प्रभु आ गए। जब नित्यानंद प्रभु आ गए इतने में नित्यानंद प्रभु ने हठात उन्होंने एकदम विवस्त्र हो गए, एकदम नित्यानंद प्रभु एकदम विवस्त्र हो गए। जब विवस्त्र हो गए इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने झट उनको फिर उन्होंने कपड़ा उनको पहनाया हैं, जो कपड़ा पहना है इतने में सची माँ ने नित्यानंद प्रभु को पांच तो उन्होंने संदेश दिया, संदेश समझते हो मिठाई, वहां के मिठाई को संदेश कहते हैं। जब नित्यानंद प्रभु को सची माँ ने पांच तो उन्होंने संदेश दिया, जब संदेश दिया नित्यानंद प्रभु तो एक खा लिया, लेकिन जो आर जो चार संदेश था ना उसने फेंक दिया, चार संदेश को उन्होंने फेंक दिया। जब फेंक दिया सची माँ ने हाय हाय करने लगे, तुमको मैंने संदेश दिया और तुमने एक खाया और चार तुमने फेंक दिया कैसे हैं? जब फेंक दिए इतने में सची माँ फिर जब घर में आती है ना वो देखते फिर वो चार ही संदेश घर में, चार ही संदेश घर में, चार ही संदेश। बोला अरे ये क्या, उन्होंने संदेश तो फेंक दिया था लेकिन फिर चार ही संदेश घर कैसे? फिर देखते हैं वही संदेश नित्यानंद प्रभु खा रहे, नित्यानंद प्रभु वही संदेश को फिर खा रहे। सची माँ देख करके वे तो आश्चर्य हो गई, वो समझ गई ये नित्यानंद प्रभु कौन है, ये साधारण नित्यानंद प्रभु नहीं, लगता है ये नित्यानंद प्रभु ये ईश्वर है। जब ये समझ करके इतने में सची माँ ने नित्यानंद प्रभु को चरण धूल लेने के लिए गए, ये तो भगवान है। जब चरण धूल लेने गई इतने नित्यानंद प्रभु वहां से भागे, चरण धूल देने नहीं दिया। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का महिमा को यहाँ पर बता रहे हैं, बोले जे जेते के न नित्यानंद चैतन्य नहीं तब उसे चरण धन रहो का हृदय, नित्यानंद निंदा करे जे पापिष्ट जन गंगा उतार देखी करे पलायन। यहाँ पर कह रहे हैं भले ही श्री नित्यानंद प्रभु क्यों कुछ नहीं करे तब उसे चरण धन रहो का हृदय बहु का हृदय, नित्यानंद प्रभु कुछ भी क्यों नहीं हुए लेकिन नित्यानंद प्रभु का चरण जैसे हमारे हृदय में हर समय विद्यमान रहे। इसलिए कहते हैं नित्यानंद निंदा कर जे पापिष्ट जन, अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को निंदा करते हैं गंगा अवतार देखी करे पलायन, गंगा क्या करते हैं तो व्यक्ति को देखकर गंगा भी वहां से भाग जाती हैं। इसलिए कहते हरो रुष्टे गुरुत्रात्रा गुरो रुष्टे न कश्च तस्मात सर्व प्रजते न त्रिन गुरु मेवात प्रसाद है। इसलिए कहते अगर कभी ठाकुर जी कभी अगर नाराज हो जाए गुरु जी हमें रक्षा कर सकते, अगर गुरु जी कभी नाराज हो जाए भगवान भी रक्षा
नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा को भूरी भूरी करके नित्यानंद प्रभु का महिमा को गाते हैं। इसलिए एकादश और द्वादश अध्याय में भी वही नित्यानंद प्रभु का महिमा गाते हैं। कल हम यहाँ पर सुनेंगे श्री नित्यानंद प्रभु का महिमा, वो क्या गा रहे हैं। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय। बोले सचिनंदन गौर हरि की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल की जय। कई मामद रहे तंकर सुर गए से तंकर सुर का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण महाराज के।
जय विष्णु विष्णु भक्ति नारायण सिंह महाराज जी कृपा ग्रंथ है स्वर्ग गाई पारे का गाई पार्टी प्रज्ञा सब